बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहब जी, आज आप एक बहुत बड़ी सेवा करेंगे। चर्चा सुनते हुए ही शेयर करनी शुरू कर दें ताकि सुंदर साथ का नियम ना टूट सके। आप जितने भी उपस्थित हो रहे हैं ना सुंदर साथ, आप सभी को अभी से शेयर करनी शुरू कर दें ताकि सारा सुंदर साथ अपने नियम से ये बीतक वाणी चर्चा सुन सके, क्योंकि समय परिवर्तन किया गया है सुंदर साहब जी। आज किसी सुंदर साहब के यहाँ पे शादी के कार्यक्रम से पहले मेहंदी का कार्यक्रम है और वहां उन्होंने कहा भी गाना भी आप बांधोगे, मेहंदी भी आप शुरू करोगे और 9 बजे का समय दे दिया है ना। तो सुंदर साहब जी, इसलिए आज वाणी चर्चा का नियम ना टूटे, इसलिए धामदनी ने कहा थोड़ी देर ही वाणी चर्चा कर लें, थोड़ा सा ही आनंद ले लें अपने सभी मिलके। तो लाडले सुंदर साहब जी, आप समस्त सुंदर साहब के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं, हमारी सुषमा जी सेठी, नितिन जी सेठी श्री गंगानगर से, और हमारी नीरू जी मेहर, मीना जी गुप्ता, कविता जी खेत्रपाल गुड़गांव से, पल्लवी जी, शशि जी तनेजा जयपुर से, और हमारी वर्षा जी नारिया सूरत से, रेणु जी परनामी अलवर से, आशा जी परनामी श्री गंगानगर से। आइए लाडले सुंदर साहब जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं और सबको शेयर कर दें अभी से ही, शेयर वाला बटन दबा दें ताकि सभी जुड़ जाएं हमारे साथ अभी से ही, है ना सुंदर साहब जी। तो हम थोड़ी देर के लिए वाणी चर्चा का आनंद लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज श्री ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सति गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, आशोभरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल मैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय।
आइए लाडले सुंदर साथ जी श्री राज जी महाराज के श्री चरणों में और सतगुरु जी के श्री चरणों में अपना एक भाव रखते हैं। कर ना सकेंगे अदा कभी, कर ना सकेंगे अदा कभी, महबूब की मेहर बानिया कर ना सकेंगे अदा कभी, महबूब की मेहर बानिया बढ़ती ही जाए ये हर घड़ी, बढ़ती ही जाए ये हर घड़ी, बेशुमार ये निगे वानिया कर ना सकेंगे अदा कभी। हमसे फना न हुआ गया फुरमान पर न चला गया, हमसे फना न हुआ गया फुरमान पर न चला गया, फुरमान पर न चला गया, कर लेते हो फिर भी कबूल, कर लेते हो फिर भी कबूल, ना देखते कुर्बानियां कर लेते हो फिर भी कबूल, कर लेते हो फिर भी कबूल। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साहब जी, आइए थोड़ी देर के लिए धनी जी जो आनंद देना चाहते हैं, आज तो सतगुरु महाराज श्री धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी को किस प्रकार से धनी जी की कृपा श्यामा जी का अंग संग धनी जी हो जाएंगे, वो आनंद वो हम सभी सुंदर साथ लेंगे। कल हम सुन रहे थे श्री महामत कहे ए साथ जी ए नौतनपुरी की हकीकत, और भी आगे की कहूं भाई जो भी तक इत, भाई जो भी तक इत, अब कहूं श्री देवचंद्र जी की जो बात मूल बुजरक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धामधनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साज जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती अक्षरातीत धाम दुल्हा स्वामी श्री लालदास जी के हृदय में साक्षात स्वरूप में विराजमान होके और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी की लीला का रसपान हमें करवा रहे हैं। कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज 14 वर्ष निष्ठा बंद होके और श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, कहाँ पे श्री 5 नवतनपुरी धाम में श्याम जी के मंदिर में जहाँ कान जी भट्ट कथा करते हैं, और वहां बैठ के सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज नियमबद्ध होके निष्ठाबद्ध होके इस भागवत कथा को सुन रहे हैं। और कहते हैं अब कहूं श्री देवचंद्र जी की जो बात मूल बुजरक, अब फरमा रहे हैं कि स्वामी श्री लालदास जी महाराज कि जो मूल बात है ना वो तो अब आ रही है, जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी लीला जागनी ब्रह्मांड के अंदर हुई, जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी को श्यामा जी को धनी ने परम धाम से कहा था, ल्याओ बुलाए तुमरू अल्लाह
जो रूहे मेरी आशिक रबद किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक, अब वो लीला शुरू होने वाली है। किस प्रकार से धाम के धनी आके साक्षात दर्शन देंगे और किस प्रकार से सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को तारतम महामंत्र मिलता है, आइए लाडले सुंदर सहज जी हम वो आनंद ले रहे हैं। अब कहूं श्री देवचंद्र जी की जो बात मूल बुझ रख, जो मेहर संयन पर करी सुबान लू हक। कहते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, जो मेहर संयन पर जो श्यामा जी सुंदरबाई जी के साथ साथ सारी परम धाम की आत्माओं के ऊपर धनी जी मेहरबान हुए, करी सुबान लू हक। कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण लीला ये होने जा रही है कि वे मेरे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म धाम के धनी अपनी आत्माओं के ऊपर कैसे प्रसन्न होंगे, किस प्रकार से मेहर लुटाएंगे। 14 वर्ष निष्ठा बंद सुनियो श्री भागवत जब, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की जय, श्री पांच नवतनपुरी धाम की जय। लाडले सुंदर साथ जी, 14 वर्ष निष्ठा बंद सुनियो श्री भागवत जब, जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने 14 वर्ष निष्ठा बंद होके श्रीमद भागवत की कथा को सुना, आवेश लीला भई सब नजरों आया तब, फिर उस समय में आवेश के स्वरूप ने आके दर्शन दिए और जागृत बुद्धि पराशक्ति और वो अनोखा ब्रह्म ज्ञान धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को मिलने का समय आ गया और जिसका आज तक संसार को इंतजार था, है ना। कछु कसनी भई आकार को इन समय इस ठोर, लेकिन स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, इस समय में सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी को इस आकार के ऊपर कुछ कसनी कुछ कष्ट आता है, पर नजरों कछु न आईया दज्जाल लड़ने लगा जोर। कहते हैं इतनी बड़ी कसनी को भी सतगुरु देव चंद्र जी महाराज कुछ भी नहीं समझेंगे, ये तो दज्जाल है, वो लड़ने के लिए आया है, क्योंकि दज्जाल सोचता है कि अगर इनको अभी से तारतम मिल गया तो ये मेरे बंधन से सारी आत्माओं को छुड़ा के परम धाम ले जाएंगे। तो इस समय दज्जाल किस रूप में आता है, यहाँ जबर आवने लगा एक लंगन भई दोए। अब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी को बुखार चढ़ना शुरू हो गया और बुखार में एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, शर्वना भंग ना करें कान बांध के सुनने जाए सोए। लेकिन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को बुखार चढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी शर्वण भक्ति को बंद नहीं किया और सिर के ऊपर पटका बांध के, बहुत तेज बुखार है सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी को, फिर सिर के ऊपर पटका बांध लेते हैं और पटका बांध के और फिर लाठी लेके फिर भी श्रीमद भागवत को सुनने के लिए श्याम जी के मंदिर में जाते हैं। यो करते 10-12 लो लांगन भई जोर, इस प्रकार करते हुए 10-12 दिन हो गए और 10-12 दिन से बुखार चढ़ा हुआ है। ए भागवत सुनन का कछु न छूटे ठोर, लेकिन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज अपनी श्रीमद भागवत कथा सुनने का नियम उन्होंने भंग नहीं किया। कितने दिन हो गए बुखार चढ़ते हुए, 12 दिन हो गए बुखार चढ़ते हुए। वाऊ लगने मत्तु मेहता तबीब को बुलाए दिखाया हाथ, अब पिता श्री जी मत्तु मेहता ने एक वैद्य को बुलाया और वैद्य को बुला के उनकी नवज दिखाई। तब तबीब औषधियां जतन करो इन साथ, और वैद्य ने दवाई तो दी पर कहा कि भी परहेज भी करना है और इनका ध्यान भी रखना है। वाऊ लगने ना दियो जतन करो इन पर,
क्या परहेज कराया कि आप इनको हवा नहीं लगने देना। सतगुरु देवचंद्र जी को बुखार है ना बहुत तेज, तो वैद्य जी आए हैं, वैद्य जी ने दवाई तो दी है लेकिन दवाई दे के कहा इनको हवा नहीं लगनी चाहिए। तब कुंवर बाई ने कहा ए अभी जाए भागवत पर, पास में बैठी हैं माता जी कुंवर बाई जी, उन्होंने कहा आप कह रहे हो हवा ना लगने देना, ये देवचंद्र तो अभी जाएगा। कहाँ जाएगा? श्रीमद भागवत कथा सुनने के लिए। तब वैद औषध को इनसे लई फेर, ओ वैद जी को तो गुस्सा आ गया। वैद जी ने कहा कि ऐसे करो, ये मेरी जो पुड़िया है ना, जो काढ़ा बनाने के लिए पुड़िया दी, उन्होंने कहा ये मेरी वापस कर दो। इन वाव से सन्निपात होए मैं ना आऊं दूजी बेर, अगर इनको ये काढ़ा पीने के बाद बार हवा लग गई तो इनको टाइफाइड हो जाएगा और फिर मैं दोबारा नहीं आऊंगा। तब मतु मेहता ने कहा करेंगे हम जतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मतु मेहता जी ने कहा कि आप चिंता ना करो वैद जी, हम पूरा यत्न लगाएंगे, हम क्यों जाने देवेंगे, रखना है या को तन। मतु मेहता जी ने कहा कि मेरा इकलौता बेटा है वैद जी, मैं इनको आज भागवत कथा सुनने के लिए क्यों जाने दूंगा, क्योंकि मुझे इस इनके तन की परवाह है। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा मैं ना रहूं क्यों कर। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जिनके को इतना तेज बुखार है और 12 दिन से कुछ खाया हुआ नहीं है, लेकिन धीरे से आवाज में बोले। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा मैं ना रहूं क्यों कर, पिताजी आप ऐसा मत कहो कि मैं इनको जाने नहीं दूंगा, मैं कथा के बिना नहीं रह सकता। धर्म राखो तो दे है जवाब देतियो कर। और उन्होंने जवाब दिया सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कि धर्म राखे ते दे है, अगर धर्म का पालन ही नहीं किया और देह का ध्यान करते रह गए तो फिर इस देह को पाल के क्या करना है। ये कौन बोले? ये सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बोले। वे जवाब यो देवी दे राखे होए धर्म। अब मत्तु मेहता जी तो मौके सागर में डूबे हुए हैं, उनका उनके इकलौते बेटे हैं और इतने वर्षों बाद घर में बेटा आया, अब वो क्या करें। अब वो कहते हैं कि ए जवाब यो देवी दे रखे होए धर्म। मत्तु मेहता जी ने कहा देही है तो धर्म का पालन होता है, अगर देही में कुछ नहीं है, शरीर के अंदर कुछ नहीं है, शरीर ही स्वस्थ नहीं है, इतना तेज बुखार है तो धर्म का पालन कैसे होगा। इनकी मत माया मिने आधीन रहे कर्म। तो कहते इनके अंदर तो संसारिक बुद्धि होने के कारण वह तो कर्म को ही महान मानते हैं। कौन? मत्तु मेहता जी। वह तो तब उठ गया काढ़ा पिलाया जब। अब ये देवचंद्र जी के बीच में और मत्तु मेहता जी के बीच में बात हो रही थी। वह तो वो पुड़िया काढ़े की दे के चला गया है ना, वह तो तब उठ गया काढ़ा पिलाया जब। और इसके बाद माता श्री कुंवर बाई जी हैं, लील बाई जी ने काढ़ा बना के दे दिया और सतगुरु देवचंद्र जी ने वो काढ़ा पी लिया। बखत हुआ सुनन का कान मूंद लाठी ले चले तब। और इधर श्रीमद् भागवत का समय हो गया और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने सिर पे फिर पटका बांधा, क्योंकि सिर में दर्द हो रहा है और सिर पे पटका बांध के चला नहीं जा रहा, इसलिए लाठी उठाते हैं हाथ में। 12 दिन से इतना तेज बुखार है और सिर में दर्द है और चलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कुछ भी अंदर नहीं गया शरीर के अंदर, लेकिन फिर भी सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी की कसनी को देखें। कई कसनी करी दुल्हन सो भी कारण हम संयन। हम सुंदर साथ के लिए कितनी कसनी कर रहे हैं। कई कसौटी करी दुल्हन सो भी कारण हम संयन, है ना। तो ऐसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का जब समय हो गया श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का, तो वो उठे, सिर पे पटका बांधा, लाठी उठाई और जाने को तैयार हुए। मत्तु मेहता कुंवर बाई बहुत तक रहे बरज। और मत्तु मेहता जी
और कुंवर बाई जी मना करने लगे कि आज आपको नहीं जाना कथा सुनने, एक कैसो माने नहीं आत्म साधन गरज। लेकिन सतगुरु देवचंद्र जी महाराज तो कैसे भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा का यही साधन है कि श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना, तब जलपान करना, निष्ठाबंद होके सुन रहे हैं। और अब 14 वर्ष पूर्ण होने का समय आ गया और ये घर के लोग कुंवर बाई माता जी और पिता श्री जी कह रहे हैं कि नहीं जाना कथा सुनने के लिए, लेकिन सतगुरु देवचंद्र जी महाराज किसी की बात भी नहीं मान रहे। तब घर में रूंद की वाड़ दे द्वार खड़ा मतु मेहता आप। अब मतु मेहता जी ने क्या किया, कुंवर बाई माता जी पास में बैठी हैं, लील बाई जी हैं, और मतु मेहता जी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। श्री देवचंद्र जी पुकारी बड़ो दुख पायो ताप। श्री देवचंद्र जी महाराज बहुत दुखी होने लगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत का जो समय था वो निकलता जा रहा था और अपने पिता श्री जी के इस व्यवहार को देख के सतगुरु देवचंद्र जी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में पुकारने लगे, और पुकारते पुकारते उनका मन इतना दुखी हो गया, कलप उठा मन सतगुरु देवचंद्र जी का, और कलपते हुए रोते हुए क्या कहते हैं, रे मूर्खों में मरने का नहीं मेरा देखोगे आकार। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने हर हद को पार कर दिया, क्योंकि इतने वर्षों से नियम है और 14 वर्ष से निष्ठावंत होके नियम से सुन रही हैं, और आज नियम टूटता है अगर मत्तु मेहता जी बाहर से दरवाजा नहीं खोलते तो। विचार कीजिए सुंदर साहब जी, हमसे 7 दिन का नियम नहीं निभता है ना, हमसे 1 महीने का नियम नहीं निभता, और ये नियम निभा रहे हैं 14 वर्ष से। और आज सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जब देखा कि मत्तु मेहता जी ने दरवाजा ही बंद कर लिया, तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, हम विचार करें कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के ऊपर क्या बीत रही होगी, है ना। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज बोले, रे मूर्खों में मरने का नहीं, ए मूर्ख लोगों, मैं कोई मर जाऊंगा मेरा देखोगे आकार, अगर मैं भागवत सुनने के लिए नहीं जाऊंगा ना तो ये मेरा शरीर यहीं पे पड़ा रहेगा, उत मेरी आत्म जाएगी और नहीं विचार, और वहां पे मेरी आत्मा पहुंच जाएगी, इस शरीर में से मेरी आत्मा निकल के और श्याम जी के मंदिर में कान जी के भट्ट में कथा सुनने के लिए चली जाएगी। ए क्यों ए माने नहीं तब गिरे पिछले पाए। लेकिन सतगुरु देवचंद्र जी महाराज पुकारते रहे, आवाज देते रहे, लेकिन पिताजी ने एक भी बात नहीं सुनी। तो शरीर के अंदर तो इतनी कमजोरी आ गई थी सुंदर साथ जी, शरीर 12 दिन से इतना तेज बुखार है कि पानी का घुट भी अंदर नहीं जा रहा, कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा है ना, और इतनी वीकनेस इतनी कमजोरी शरीर के अंदर आ गई कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि मत्तु मेहता जी दरवाजा नहीं खोल रहे और जोर जोर से आवाजें लगाते लगाते सतगुरु देवचंद्र जी महाराज क्यों ये मान्य नहीं तब गिरे पिछले पाए, और पिछली साइड में ही गिर गए आवाज देते देते, खंबा खंबा माता कहे गिरे भौम भमरी खाए। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी को चक्कर आ गया, और चक्कर इतने जोर से आया क्योंकि शरीर में जान नहीं है सुंदर साहब जी, ये होती है कसनी, हम तो क्या मुंह दिखाएंगे ना परम धाम के अंदर जाके, है ना, हम क्या तो अपने आप को कहें कि हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं, है ना, क्योंकि हमारी तो कहनी करनी रहनी कुछ भी नहीं है ना। अब हम देखिए हम अपने आप को कहते हैं श्यामा जी नो अंग है सुंदर साथ, लेकिन एक भी करनी रहनी श्यामा जी जैसी है हमारी किसी की भी है ना। तो कहते हैं अब जब पिछले सिर के बाहर पिछली साइड में गिर पड़े, चक्कर आया
और माता खंबा खंबा माता कहे, तो जैसे ही मूर्छित होके गिरे माता हाय हाय करने लगी, हे देवचंद्र जी क्षमा करो, हे पुत्र हमसे गलती हो गई। तब कुंवर बाई ने शोर करियो कठिन कह खुलाए द्वार। कुंवर बाई माता जी मतु मेहता जी को लड़ने लगी कि दरवाजा खोलो, आपने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया, हमारा बेटा देवचंद्र बेहोश होके गिर गया है। आकार आंखें फिर गई कछु न आवे विचार। अब आंखें फिर गई, आकार आंखें फिर गई और कछु न आवे विचार। अब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज तो मृतक के समान हो गए और उनकी सुध बुध गुम हो गई, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोच पा रहे। और श्री देवचंद्र जी यो पुकार सुनावे कान, मतु मेहता जी ने तुरंत उनको अपनी गोद में ले लिया और कहा ए प्यारे देवचंद्र, एक कछुए ना सुनत ना सके कहूं पहचान। मतु मेहता जी कहने लगे तुम्हें क्या हो गया, पर देवचंद्र जी तो मूर्छित पड़े हैं, किसी को भी पहचानते नहीं है। तुम जाओ सुनने श्री भागवत भटके बुलाओ आए। अब मतु मेहता जी खुद कहने लगे कि देवचंद्र बेटा उठ जाओ, खूब रो रहे हैं, कुंवर बाई माता जी रो रही हैं, लील बाई जी रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं घर में और रो रो के विलाप करके कह रही हैं, क्योंकि मृतक के समान हो गए देवचंद्र जी महाराज, सुध बुद्धि नहीं है, आंखें फिर गई, होश ही नहीं है। तो आवाजे लगा के कहने लगे कि तुम जाओ सुनने श्री भागवत भटके बुलाओ आए। ए देवचंद्र जी आंखें खोलो, देखो भट्ट जी ने तुम्हें भागवत के लिए बुलाने के लिए किसी को भेजा है ना, तुमको कोई ना रोकी, चलो पहुंचाए धाए। और मतु मेहता जी कहने लगे आज के बाद आपको कोई नहीं रोकेगा भागवत कथा सुनने जाने के लिए, है ना, चलो पहुंचाए धाए। मतु मेहता जी ने कहा मैं खुद आपको छोड़ के आता हूँ, उठो देवचंद्र, चलो चलो बेटा मैं छोड़ के आता हूँ भागवत के अंदर। एक आधी घड़ी पीछे एक अचुक भय साव चेत, पौना घंटा तक, पौने घंटे के बाद सतगुरु देवचंद्र जी को होश आया। तब उठ बैठे भय मुख होए गया सुपेत, उठ के बैठे और मुखमंडल बिल्कुल सफेद हो गया, लालगी जैसे बिल्कुल खत्म हो गई एकदम। जाए श्रवण करो श्री भागवत कोई ना बरजे तुम। और मतु मेहता जी ने कहा जाओ श्रीमद भागवत की कथा को सुनो, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। लाठी पकड़ ठाणे भये कहो तो पहुंचावे हम। और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज लाठी पकड़ के खड़े हो गए और मतु मेहता जी कहने लगे देवचंद्र मैं आपको पकड़ के छोड़ आता हूँ। इस मृतक के अंदर श्री लालदास जी महाराज ने वर्णन नहीं किया, लेकिन बाकी मृतककार वर्णन करते हैं कि मतु मेहता जी श्री देवचंद्र जी की को लेके श्याम जी के मंदिर में जाते हैं और श्याम जी के मंदिर में जाके कान जी भट्ट से कहते हैं कि ए श्याम जी, अब तक तो मैंने इस वस्तु को, इस बेटे को अपना माना हुआ था, है ना, लेकिन मुझे पता लग गया मैंने झूठा हक जता रहा था इस बेटे पे, ये बेटा तो आपका ही है और मैं आज आपके चरणों में इनको समर्पित करता हूँ, है ना। तो कहते कानजी भट्ट के पास मतु मेहता जी खुद लेके जाते हैं छोड़ने के लिए। तो कहते लाठी पकड़ ठाणे भये कहो तो पहुंचावे हम। उन्होंने कहा हम छोड़ के आए। श्री देवचंद्र जी बोले नहीं, चले श्याम जी मंदिर द्वार। लेकिन सतगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने पिता श्री जी से कुछ नहीं बोले और श्याम जी के मंदिर में श्री पांच नवतनपुरी धाम में श्री श्याम जी का मंदिर जहां कान जी भट्ट कथा कर रहे हैं, वहां पे सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जा पहुंचते हैं। आए बैठे सभा मिने सुनत शर्वन उस्तवार। और कथा का समय हो गया था, वो तो इंतजार करते ही थे कानजी भट्ट, वो सोच रहे थे कि आज इतनी देर कैसे हो गई, और जाके कथा के अंदर बैठ गए और चुस्त होके कथा सुनने लगे।
जब भागवत सुन के फेर के आए घर, और आज भागवत सुन के जब वापिस आए, तभी चैन जो पाया ठाडा ना रहा जबर, उसी समय बुखार उतर गया। ये होती है परीक्षा सुंदर साथ जी। हम तो ना परीक्षा दे सकते हैं और ना हम पास हो सकते हैं, क्योंकि हम सारे कहते हैं कभी इम्तिहान लेना ऐसे ही बख्शी जाऊं, कभी इम्तिहान लेना ऐसे ही बख्शी जाऊं, बल दे दो पिया जी इतना तेरी प्रीत में निभाऊं, बल दे दो पिया जी इतना तेरी प्रीत मैं निभाऊं, जो कुछ है पास मेरे, जो कुछ है पास मेरे, सब तूने ही दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। कहते जब भागवत सुन के फेर के आए घर, तभी चैन जो पाया ठाडा न रहा जवर। भागवत सुन के जैसे ही घर आए बुखार उतर गया, क्योंकि ये तो परीक्षा की घड़ी थी ना। फेर इया से पतलिया होए चली फुर्सत, अब धीरे धीरे शरीर तो बिल्कुल शीतल हो गया और अब ठीक होना शुरू हो गए। दिन दिन चढ़ते गए यही कसने की हद, अब जैसे जैसे दिन निकलते गए ये कसने की अंतिम परीक्षा थी सुंदर साथ जी, है ना। अब तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने टॉप कर लिया, है ना। दिन 10-15 हुए कथा सुनत है कान, 12 दिन तो बुखार रहा, फिर भी कथा सुनने के लिए 12वें दिन भी गए। और श्री राज जी महाराज ने कहा कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज, मतलब मेरी श्यामा जी महारानी, कुछ स्वस्थ तो हो जाए, बात करने योग्य तो बने, तब तो मैं बात करूं, है ना। तो कहते हैं दिन 10-15 हुए, अब 15 दिन हो गए कथा सुनत है कान। 15वां दिन जब आया, 3 दिन थोड़े ठीक हुए, थोड़ा हल्का आहार लेने लगे, तहां आए दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धाम के धनी की जय। अब श्याम जी के मंदिर में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कथा सुन रहे हैं और श्री राज जी महाराज साक्षात सामने प्रकट हो गए, और सामने प्रकट होके खड़े हो गए श्याम जी के मंदिर में। सभी लोग भागवत कथा सुन रहे हैं लेकिन किसी को भी नहीं पता लगता, इधर से सतगुरु देवचंद्र जी महाराज भागवत सुन रहे हैं और इधर से साक्षात धनी के साथ 2.25 घंटे तक बातें होती हैं। और 2.25 घंटे की बात में धनी जी पहली बात क्या कहते हैं, ता आए दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान, आके दर्शन दिया और कहा आपको मेरी पहचान है क्या। आ गए भरतार, आ गए भरतार, जिनको सदियों से पुकारा है, आ गए श्रीराज, आ गए श्रीराज, जिनको सदियों से पुकारा है, आ गए श्रीराज, आ गए श्रीराज, जिनको सदियों से पुकारा है, तू है तो हर सहारा है, छोड़ दिया संसार, छोड़ दिया संसार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम अकेले थे तेरे आने से पहले, ये दिल
बिना प्रीतम, तुम बिना प्रीतम यहाँ कोई ना हमारा है, तुम बिना प्रीतम। सुंदर साथ स्वागत कर रही हैं फूलों के द्वारा, क्योंकि धनी जी प्रकट हो चुके हैं, श्यामा जी को प्रीतम मिलने के लिए आए हैं, है ना। और क्या कहते हैं, वे किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, कौन से स्वरूप ने आके दर्शन दिए, भजनानंद स्वरूप ने आके दर्शन दिए, परम धाम के अंदर जो केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, नीले पीले रंग का पटका, आसमानी रंग की पिछोड़ी, सिंदूरिया रंग की पाग पहन के बैठने वाले स्वरूप, भजनानंद स्वरूप है ना, वो आके साक्षात दर्शन देते हैं। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, जो स्वरूप ने वृंदावन के अंदर लीला करी वो आके दर्शन देते हैं। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा, जैसी गवाई दई मन, सतगुरु देवचंद्र जी ने उस स्वरूप को जब देखा, साक्षात श्री कृष्ण जी सामने खड़े हैं और आत्मा ने साक्षी दी, तुम हमारे खामद एता जानत है हम। उन्होंने कहा कि आपको मेरी पहचान है क्या, तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज बोले कि तुम हमारे खामद, आप मेरी आत्मा के मालिक हो, एता जानत है हम, बस हम इतना ही जानते हैं, आपको पहचानत हो, कौन कहां से आए तुम। और श्री राजी महाराज ने श्यामा जी से पूछा, ए श्यामा जी, अपने आप को पहचानती हो कि तुम कौन हो और कहां से आई हो, तू कौन इत आई क्यों कर, कहां है तेरा वतन, तू कौन है। श्यामा जी आवाज से समझ गई कि तू कहने वाले तो मेरे प्रीतम के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, जो अपना होता है ना वो तू बोलता है, इत आई क्यों कर, कहां है तेरा वतन, यहाँ क्यों आई हो, आपका घर कहाँ है। नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन, आपकी आत्मा के प्रीतम कौन है, मुझे निश्चित करके बताओ। और श्यामा जी ने कहा, इतना हम जानते हैं धनी हमारे तुम, हम तो इतना ही जानते हैं कि आप मेरी आत्मा के प्रीतम हो, मालिक हो। कया तुम इतना ही जानत, अब बतावे हम, आप इतना ही जानते हो। श्री राजी महाराज ने श्यामा जी से कहा, श्यामा जी इतना ही जानते हो, अब मैं बताता हूं। नाम तुम्हारा भाई सुंदर खेले तुम ब्रजरास में, आपका नाम सुंदर भाई है, पहले आप ब्रज में आए थे फिर रास में आए, मनोरथ पूरे ना भये, ये तीसरा हुआ तिन से, आपके मन के मनोरथ अधूरे रह गए थे जिसके कारण ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड बनाया गया। अब सब साथ बुलाए के आवो अपने धाम। और श्यामा जी को श्री राजी महाराज ने कहा कि सब सुंदर साथ को बुला के लियाओ, बुलाए तुम रू अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रवद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। ए श्यामा जी सब आत्माओं को बुला के अपने धाम में आ जाओ। धनी वे साथ कहाँ है, कया मैं भेजू तमाम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखिए सुंदर साथ जी, वो लीला आज भी हो रही है। धनी श्यामा जी ने कहा, धनी वो सुंदर साथ कहाँ है, मैंने तो सोचा मैं अकेली आई हूँ, 12,000 ब्रह्म सृष्टि भी आई है खेल के अंदर, तो वो सारा सुंदर साथ कहाँ है। तो धनी जी ने कहा, आप चर्चा करने के लिए बैठना, मैं भेजूंगा तमाम। आज भी वही हो रहा है ना, जैसे चर्चा शुरू होती है तो श्री राजी महाराज सब सखियों को अपने आप इकट्ठा कर लेते हैं, खुद भेजते हैं। चर्चा में सोई आवत, जाके धनिये पकड़े हाथ, चर्चा सुनने के लिए वही आ सकती है जिसके हाथ स्वयं धनी जी थाम लें, है ना। ए भागवत कागज तुम्हारा सो तुम्हें खुले कलाम। और कहा श्री राजी महाराज ने, ये भागवत ग्रंथ है ना, ये आपकी चिट्ठी है, आपकी पत्री है, और अपने घर की इशारते और ना समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए, ये हमारे घर के इशारे,
इस भागवत के अंदर साक्षियां दी गई हैं, गवाहियां दी गई हैं, ये आप ही खोल सकते हो और कोई ना खोल सके। ए जो खलक आम दुनिया वाले, अखंड ब्रिज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है, इस लीला को वर्णन करके नहीं सुना सकते। त्रिधा लीला का वर्णन जब कोई परमधाम की आत्म वर्णन करेगी तब इन गुज रहस्यों को खोलेगी। अब तुम्हें पूछना होए सो पूछ लियो तुम। श्री राज जी महाराज ने 2.25 घंटे बातें करी और सतगुरु देवचंद्र जी से कहा, श्यामा जी से कहा कि श्यामा जी आपको मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लो। फिर के ऐसी तरह से दृष्ट आवे हम, फिर इस तरह से हम आपको दोबारा दर्शन नहीं देंगे। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? सतगुरु देवचंद्र जी ने पूछा कि आप कहाँ जाओगे जो आप मुझे कह रहे हो कि जो कुछ पूछना है मुझसे अभी पूछ लो। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सजा लो घर को गुलशन सा, सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राज आए हैं। सजा लो घर को गुलशन सा, सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राज आए हैं। मेरे श्री राज आए हैं, मेरे धनी धाम आए हैं। मेरे श्री राज आए हैं, मेरे श्यामा श्याम आए हैं। सजा लो दिल को गुलशन सा, सजा लो दिल को गुलशन सा, मेरे श्री राज आए हैं। सजा लो दिल को गुलशन सा, सजा लो दिल को गुलशन सा, मेरे श्री राज आए हैं। है ना, तमो को का पूछना एक तारतम्य बीज वचन। उन्होंने कहा श्री राज जी महाराज ने कि श्यामा जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण जी कहने लगे, ए श्यामा जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके दिल के अंदर आके बैठ जाऊंगा। पखालो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा, पखालो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा, बहा कर प्रेम की गंगा। लगे गलियां भी दुल्हन सी, लगे गलियां भी दुल्हन सी, मेरे श्री राज आए हैं। मेरे श्री राज आए हैं, मेरे श्यामा श्याम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा लो दिल को गुलशन सा, बना लो दिल को अर्श जैसा, मेरे श्री राज आए हैं। तो पूछा सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने श्यामा जी ने कि आप कहाँ जाओगे, तो कहा मैं तो आपके हृदय के अंदर आके साक्षात बैठ जाऊंगा। तब मोको का पूछना एक तारतम्य बीज वचन। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा फिर मुझे क्या पूछना है? तो उस समय में, अब ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी, साक्षात श्री राज जी महाराज प्रत्यक्ष रूप में खड़े हो गए और खड़े होके तारतम महामंत्र प्रदान करते हैं। कुछ सुंदर साथ कहते हैं कि तारतम उतरा कब था, तारतम की तो बात ही नहीं आई।
वाणी भी तक के अंदर। लाडले सुंदर साथ जी, अब तारतम की बात तो स्पष्ट हो गई ना, देने वाला कौन सा स्वरूप है? जो स्वरूप खेला वृंदावन, और वृंदावन के अंदर भजनानंद स्वरूप में श्री राज जी महाराज ने आके दर्शन दिए हैं। और पहले ब्रह्मलीला चल रही थी ना, ब्रह्मानंद स्वरूप के द्वारा सखिया महाराज। लाडले सुंदर साथ जी, थोड़ी सी बात सुनना, कौन से स्वरूप ने दर्शन दिए हैं? स्वरूप खेला जो वृंदावन, वृंदावन के अंदर भजनानंद स्वरूप महारास लीला खेलने वाले स्वरूप ने आके दर्शन दिए हैं, है ना। और एक कहे तारतम बीज वचन, सुंदर साथ कहते हैं तारतम की तो बात ही नहीं आई। एक कहे तारतम बीज वचन, पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नवतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। ये बीज तारतम महामंत्र कहां प्रकट हुआ? श्री पांच नवतनपुरी धाम के अंदर। और तारतम महामंत्र कौन सा? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। ये लाइन श्री राजी महाराज ने, पहली लाइन श्री राजी महाराज देंगे, और दूसरी लाइन जो होगी, दूसरा चरण जब शुरू होगा, ये दो चरण निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, ये दो चरण किसने कहे? स्वयं श्री राजी महाराज ने सामने खड़े होके कहे कि मेरा नाम श्री कृष्ण है। वो परमधाम वाला स्वरूप खड़ा है और वो स्वयं अपना नाम बता रहे हैं कि मेरा नाम श्री कृष्ण है और मैं अनादि अक्षरातीत हूँ, अनादि काल से था हूँ और हमेशा रहने वाला, है ना। तो अगली लाइन श्री श्यामा जी ने कही, सो तो अब जाहिर भए। वो श्री कृष्ण, वो अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण अब संसार के अंदर जाहिर हो गए हैं, सब विद वतन सहित पूरे परम धाम सहित मेरे हृदय के अंदर आके प्रकट हो गए हैं। फेर के अदृष्ट भए प्रफुल्लित हुआ मन, इतना दर्शन दे के धनी जी अंतर ध्यान हो गए, है ना। और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हो गए। तभी नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम, और जैसे श्री राज जी महाराज का आवेश स्वरूप श्री देवचंद्र जी के हृदय के अंदर विराजमान हुआ ना, वो आवेश की शक्ति के द्वारा उनकी आत्मा परम धाम को देखने लगी, अखंड ब्रज का दर्शन किया, अखंड रास का दर्शन किया, ब्रज रास दौ अखंड सूरत पहुंचे तिष्ठाम। सबलिक के कारण के अंदर ब्रज अखंड है और सबलिक के महाकारण के अंदर महारास अखंड है, तो ये साक्षात दर्शन होने लगा। श्री भागवत शास्त्र की सब गई, सब खुल गई नजर, अब धनी अंदर आके बैठ गए। जो कड़ियां, जो गुज रहस्य, जो गुज श्लोक थे जो अब तक नहीं खुलते थे, वो सारे के सारे श्री राजी महाराज श्री कृष्ण जी हृदय के अंदर आके बैठ गए, तो सारे गुज रहस्य खुल गए। विवेक सारी वस्त को हो गई आत्म फजर, और सारा बुद्धि के अंदर आ गया। लाडले सुंदर साथ जी, सूरज निकलता है ना तो ही प्रकाश होता है, है ना। कोई कहे प्रकाश हो गया पर सूरज नहीं निकला, तो ये गलत बात है ना, कि आज सूरज नहीं निकला प्रकाश हो गया। सूरज निकलेगा तो प्रकाश होगा ना, और अगर प्रकाश है तो इसका मतलब सूरज निकल आया है। जहां पे ब्रह्म ज्ञान होगा वहां पे अक्षरातीत धाम के धनी होंगे, और जहां धाम के धनी हृदय में बैठे होंगे वहीं पे ये ब्रह्म ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान है तो अक्षरातीत धनी हृदय के अंदर है, और अक्षरातीत धनी हृदय के अंदर है तो ही तो ब्रह्म ज्ञान है। जैसे सूरज और सूरज का प्रकाश अलग नहीं है, ऐसे ये ब्रह्म ज्ञान और धनी अलग नहीं है। अब धनी हृदय के अंदर आ गए तो सारी फजर हो गई, सारी श्रीमद् भागवत की कड़ियां गुज रहस्य सब खुल गए। उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम,
अब श्रीमद भागवत कथा सुन के वहां से उठ के सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने घर पे वापस आते हैं। ये बात मैं किनको कहूं, कौन माने इस ठाम, अब ये मैं बात किसको कहूं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने राज मंदिर में आ गए, श्री पांच नौतनपुरी धाम के अंदर राज मंदिर है। आज जब राज मंदिर में आए होंगे तो कितनी खुशियां लेके आए होंगे ना, क्योंकि साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी का दर्शन करके, दीदार करके, उनको पाके, उनसे सवा दो घंटे बातें करके, उनसे मिलन करके फिर आए हैं, है ना सुंदर साहब जी। कितनी बड़ी खुशी का दिन है ना, क्योंकि साक्षात धाम के धनी प्रकट हो गई हैं। अब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि उठ के आए आसन, वहां से उठ के अपने घर आ गए, अपने गृह विश्राम। उनका घर कौन सा है, श्री पांच नौतनपुरी धाम के अंदर राज मंदिर सतगुरु देवचंद्र जी का घर है। ये बात मैं किनको कहूं, कौन माने इस धाम। अब मन में आता है कि धनी ने तो कहा सबको जगा के ले आओ, अब सोचते हैं कि ये बात मैं किसको कहूं और ये कौन मानेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साहब जी आज यहीं पे रखते हैं इस प्रसंग को, कल सुनेंगे अगर धनी ने आज्ञा दी तो। ठीक है सुंदर साहब जी, आज्ञा देंगे तब हम सुनेंगे। आप मैसेज देख लेना, पता नहीं कितने बजे धनी हुक्म कर दें, क्योंकि कल और परसों दो दिन सुंदर साहब जी घर में ही भतीजी की बेटी की शादी है। कल और परसों दो दिन का प्रोग्राम है, धनी चाहेंगे हुक्म करेंगे तो अपना ये नियम पूरा करेंगे जैसे उनकी मर्जी है ना। तो लाडले सुंदर साहब जी आप मैसेज देखते रहना, क्या पता धनी कृपा कर दे, क्या पता कल भी चर्चा करवा लें, है ना। वो कृपा करे तो हो सकती है ना। तो लाडले सुंदर साहब जी आइए आज हम चौपाई दोहराते हैं। उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम, ये बात मैं किनको कहूं, कौन माने इस ठाम, कौन माने इस ठाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, तीनोपुरी धाम की जय, आज के आनंद की जय। आज ना सभी सुंदर साथ इस वाणी चर्चा को दिल से शेयर कर देना, क्योंकि सारे सुंदर साथ उपस्थित नहीं हो पाए और सभी को सुनने के लिए ये मिल जाए, क्योंकि ये है प्रगटन लीला। आज बधाई ब्रज घर घर प्रगटे श्री नंद कुमार, है ना, क्योंकि साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी प्रकट हुए हैं, दर्शन दिया है, दीदार दिया है। तो लाडले सुंदर साथ जी समस्त सुंदर साथ के श्री चरणों में मेरी अर्जी है, प्रार्थना है कि इस बीतक वाणी चर्चा को आज सभी नियम से शेयर कर देना, ताकि सब तक ये बीतक वाणी चर्चा पहुंच सके और सारे सुन सके, और हम फिर विस्तार पूर्वक धनी ने चाहा तो फिर तारतम पे चर्चा करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साहब जी।